दुर्ग शिवनाथ नदी पुल में बीती रात घटना में एक्टिवा सवार एक दंपत्ति की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं मौके से फरार हुए कार चालक की पहचान की गई है। दुर्ग के पुलगांव स्थित शिवनाथ नदी पुल पर शनिवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार स्कूटी व कार में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे स्कूटी सवार पति पत्नी की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद स्कूटर व कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद पुलगांव पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतकों को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं इस मामले में पुलगांव पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार स्कूटर सवार पति पत्नी दुर्ग के बोलसराय पारा निवासी ज्ञानचंद लेखवानी व पत्नी वंदना लेखवानी शनिवार रात को पारिवारिक विवाह कार्यक्रम से शिवनाथ नदी स्थित एक पैलेस से लौट रहे थे। इस दौरान शिवनाथ पुल पर तेज गति से आती कार स्कूटर को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद कार की ठोकर से स्कूटर घिसटती चली गई। वहीं कार सवार मौके से फरार हो गए और दोनों पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। इस संबंध में पुलगांव थाना प्रभारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उनको देर रात में पृथ्वी पैलेस से दो दंपति स्कूटी से अपने घर जा रहे थे दुर्ग के लिए, तो नया पुल शिवनाथ नदी के ऊपर पे हुंडई कार वाला एक्टिवा जो दंपति थे उनको तेज गति से पूर्वक चलाकर एक्सीडेंट करके ठोकर मार दिया, जिससे मौके पर ही दोनों दंपतियों की मौत हो गई। एक्टिवा क्योंकि बॉडी डैश मारने के बाद बॉडी दोनों फेंका गई, एक्टिवा करीबन 100-150 मीटर आगे घसीटते हुए कार वाले लेके गया, फिर कार वालों ने गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। कार चालकों को अभी पता नहीं चला है, RTO से तहरीर दिया गया है, उस पर से जो भी वाहन मालिक और जो कार चालक जो थे उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाए। पत्नी कार चालक कार में तो देखे तो उसमें शराब की बोतल नहीं थी, अगर पिया रहा होगा तो उसके बारे में क्योंकि पता नहीं है, क्योंकि फरार था उस घटना के बाद से, इसलिए उसमें अभी कुछ नहीं कह सकते। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।